हमारे पहले इंडियन सुपर हीरो मूवी यूनिवर्स यानी कि PVCU की न्यू मूवी अनाउंस हो चुकी है, जो कि है महाकाली। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि महाकाली मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है, और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि हम इस मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो भी एक लॉन्ग वीडियो में। तो लो, मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि तुम इस तरह की कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। वैसे तो इस 1 मिनट 11 सेकंड के अनाउंसमेंट वीडियो में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ज्यादा कुछ उसके बारे में डिटेल देखने को नहीं मिलती है, बट कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे हमें एक पोस्टर देखने को मिलता है, जिसके बेस पर हम महाकाली की ओरिजिन के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं कि ये मूवी कहाँ सेटअप होगी, और हम जानेंगे PVC यूनिवर्स की आने वाली सभी मूवीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सुपर हीरो की ओरिजिन के बारे में। तो इस सुपर हीरो की ओरिजिन जो है तो बंगाल में सेटअप होने वाली है। अगर आपने पोस्टर देखा हो तो वहाँ हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है। ब्रिज के आसपास देखेंगे तो एक सर्कस टाइप का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आग लगी हुई है। इसके अलावा आपने उसी पोस्टर में देखा है कि एक जो छोटी बच्ची है वो हमें शेर के साथ देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि शेर जो है दुर्गा माता है, जो कि शेर की सवारी करती है, तो मे बी शेर उससे रेफरेंस लिया गया हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि ये जो छोटी बच्ची है उसके पेरेंट्स में भी सर्कस में काम करते हो, या फिर ये खुद ही सर्कस में काम करती हो, जिसके बाद उस सर्कस में कभी कोई हादसा हुआ होगा और आग लग गई होगी, जिसके बाद मे बी इस छोटी बच्ची को किसी तरह से गॉडेस महाकाली की पावर्स मिल जाएंगी, जिसके बाद वो बड़ी होकर सुपर हीरो महाकाली बनेगी। बाकी जहाँ सर्कस में आग लगने के बाद सुपर हीरो बनने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सुपर हीरो आता है सुपर कमांडो ध्रुव। इसके साथ ही प्रशांत वर्मा ने ऑफिशियली खुद ये बोला है कि महाकाली जो है तो उनके यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है, यानी कि वो हनुमान और अधीरा से ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है। मे बी आगे जाके सिनेरियो चेंज हो, बट फिलहाल तो हम यही मान के चलेंगे कि महाकाली जो है तो हनुमान यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है। और हम सभी ये जानते हैं कि ये प्रशांत वर्मा किस बेस पर कह रहे हैं। गॉडेस महाकाली की पावर्स का अंदाजा लगाना हम सबके बस में नहीं है। हमारे हिंदू ग्रंथों में एक कथा बताई गई है, जिसमें माँ काली जो है तो महाकाली का रूप धरती है किसी एक राक्षस को मारने के लिए, जिसके बाद उस राक्षस को खत्म करने के बाद वो इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं कि उनका क्रोध शांत नहीं होता है, और उन्हें रोकना नियरली इम्पॉसिबल होता है, जिसके बाद भगवान शंकर खुद जो है तो उनके चरणों के नीचे लेटकर उनके गुस्से को शांत करते हैं। तो हम सब समझ सकते हैं कि जब भगवान शंकर को उनके गुस्से को शांत करने के लिए उनके आगे लेटना पड़ा, उनके ऊपर जब महाकाली ने पैर रखा, तब जाके उनका गुस्सा शांत हुआ। तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी इसका अंदाजा हम सब लगा ही नहीं सकते हैं। अब मैं यही होप करूंगा कि प्रशांत वर्मा गॉडेस महाकाली की काफी ज्यादा पावर्स देकर इसे और ज्यादा पावरफुल बना दे और इसका एक अच्छा सा वर्जन हमें दिखाएं। और बाकी अगर बात करें आने वाली मूवीज PVCU के अंदर, तो है जय हनुमान, हनुमान का सीक्वल और अधिराम, और अभी जो न्यू मूवी अनाउंस हुई है महाकाली। तो आप इनमें से किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है कि महाकाली की ओरिजिनल स्टोरी क्या होने वाली है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।